500 के पुराने नोट से बना डाली बिजली। 8 नवंबर को चलन के बाहर किए गए 500 रुपए के पुराने नोट से एक लड़के ने बिजली पैदा कर सभी को चौंका दिया। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के एक 17 वर्षीय छात्र ने पुराने 500 रुपए के नोटों से बिजली पैदा करने की तकनीक तैयार की है। खरियर कॉलेज के लखमन दुंडी नाम के एक स्टूडेंट ने 500 रुपए के एक पुराने नोट से 5 वोल्ट बिजली पैदा कर सभी को चकित कर दिया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लखमन ने बताया कि ऊर्जा पैदा करने के लिए नोट पर लगी सिलिकॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने नोट को फाड़ा ताकि कोटिंग दिखाई देने लगे, उसे धूप में रखा। छात्रा का दावा है कि इस प्लेट को एक बिजली की तार के जरिए ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने से बिजली पैदा की जा सकती है। 12 अप्रैल को पीएमओ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर लखमन धुंडी के इस दावे की सच्चाई पर रखने के लिए कहा था। 17 मई को प्रदेश सरकार ने संबद्ध विभाग को लखमन के प्रोजेक्ट की स्टडी कर पीएमओ को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। लखमन ने बताया कि मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया है जो सिलिकॉन प्लेट से पैदा किए गए चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर पीएमओ मेरे इस इनोवेशन को पसंद करता है तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा, विमुद्रीकरण के बाद मैंने प्रतिबंधित नोटों का उपयोग करने का अच्छा तरीका खोजने की कोशिश की। मैंने एक नोट फाड़ा तो उसमें सिलिकॉन प्लेट मिली। वहां से मैंने अपना शोध शुरू किया और बिजली उत्पादन में सफल हुआ। लखमन ने कहा कि उन्हें ये प्रोजेक्ट को यहां तक पहुंचने में महज 15 दिनों का समय लगा। लखमन दुंडी ने अपना यह प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ अपने कॉलेज में दिखाया है। उसने बताया कि जब किसी ने प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया तो मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लखमन एक किसान का बेटा है और बल्ब बेचकर घर का खर्च चलाने में मदद करता है।